तैयार हो चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा। अब मैं बना रही हूँ सूजी का। मैं थोड़ा सा इसमें घी ऐड करके थोड़ा सा इसमें थोड़े से फ्राई कर लिए हैं। जाना है शाम को कहीं, तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। मैं खिलाऊंगी, मैं गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो मैं हर्षी उठ चुके हैं, नहा धो के हम तैयार हो चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा धूप भी आ चुकी है हर्षी के लिए। देखिए गाइस, तबीयत ना हर्चू, और सब लोग रेडी हो चुके हैं। मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ और इंदु भी अपने काम में लग गई है। नॉर्मल बनाइए क्या, चने बनाए, चने तो आपके डैडू खाएंगे चने। देखते हैं किस देर बनता है। और जी नीचे बैठी नहीं रही है, तो गाइस चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, कंटिन्यू इंदू करेगी बाद में, मैं तो चले जाऊंगा ऑफिस। अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा और हर्षी के लिए मैंने निकाली है थोड़ी सी सूजी रखी हुई थी ये, और मेरे लिए तो सब्जी है और रोटी है, और मैं हर्षी के लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा सा बढ़िया वाला थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ, जिससे इसको टेस्टी भी लगे खाने में और अच्छा भी लगे। और सतानी देखो, सतानी देखो, यहाँ पे जो भी सामान रखा है वो सब राशन पानी का सामान है, और अभी हमने सब कुछ ऐसे ही एडजस्ट किया हुआ है। अब तो महारानी विक्टोरिया चलने वाली हो गई है, तो अब हमें ये सब थोड़ा सा अलग सेट करना पड़ेगा। अब जब पापा लोग आ जाएंगे तो सब सेटिंग करेंगे। बाहर फेंक दिया मैंने। मैं थोड़ा सा इसमें घी ऐड करके थोड़ा सा इसके लिए ड्राई फ्रूट्स वो ड्राई कर लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि बताऊँ मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि घर जाके ऐसा करना, थोड़े से वो ड्राई फ्रूट्स लेना और इसको घी में थोड़ा फ्राई करके इसके लिए एक पाउडर बना के रख देना, और जब भी इसके लिए सूजी का हलवा बनाएगी तो थोड़ा थोड़ा वैसे डालना, तो वो बॉडी में लगता है। तो और मेरी मम्मी ने घी भी बना के रखा था थोड़ा हर्षी के लिए, तो अब क्या कहते हैं मम्मी जब बना रही थी तो हर्षी के लिए इतना सा बना के रख दिया, मम्मी बोल रही थी हर्षी का ध्यान रख। तो अब मैं बनाती हूँ हर्षी के लिए थोड़ा थोड़ा, मम्मी ने सब कुछ रखा हुआ है। जब भी नानी के घर जाती है तो मम्मी मतलब कुछ ना कुछ एडवाइस देती रहती है, तो हमारे यहाँ भी मम्मी बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो हर्षी की दादी है ना वो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है। और मम्मी के हाथ का मुझे वो मखाने का जो हलवा बनाया था ना जब पापा के आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो अब जब मम्मी आएगी तो तब बनवाएंगे। वैसे ना वो जाड़ों में ज़्यादा टेस्टी होता है, जाड़ों में गर्म होता है तो अच्छा होता है खाने के लिए। तो अब चलो मैं तैयारी करती हूँ, ये सब मैंने जो निकाल के रखा है इसको बनाती हूँ और इसको ड्राई करके एक डिब्बे के अंदर रख दूंगी, ताकि मैं डेली इसके लिए कुछ ना कुछ बना सकूँ, इसमें ऐड करके कुछ ना कुछ इसके लिए बना सकूँ, क्योंकि ना बच्चों के लिए बच्चों को हेल्दी खाना देना चाहिए, हेल्दी चीज़ें देनी चाहिए। हर्षी थोड़ा वीक भी है तो अभी से उसका थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं इसको पूरा ही कर लेती हूँ और कभी कभी दूध में डाल के मैं भी पी लूंगी, और हर्षी को भी खिला दूंगी। तो ये रहे मेरे ड्राई फ्रूट्स, अभी बादाम तो अंदर भी रखा हुआ है, मम्मी ने भी मुझे बादाम काजू किशमिश सब दे रखे हैं हर्षी के रख सके। तो मैंने कहा यार मम्मी मतरक वहाँ है, तो मम्मियाँ तो सब ऐसी होती हैं सबके लिए रख देती हैं। तो क्या करें भैया, ऐसा ही होता है, हर्षी नीचे और खाएगा बच्चा, देखो किशमिश खा रहा है चिपटिप करके, ये यहाँ दो किशमिश, तो छोड़ो मटर खा रहा है। लो जो मखाने होते हैं, मखाने ना हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको घी में फ्राई करके और उसके बाद दूध में डाल के इनको खाना चाहिए। पहले घी में फ्राई कर लो और उसके बाद डेली एक चम्मच दूध में डाल के इसको खाओ, मतलब इसका जो पेस्ट होता है मिक्स करके खाना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। तो गाइस अब हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, तो मेरी भी आजकल ऐसे ही हो रहा है, हाथ पांव को भी दर्द कर रहे हैं। एक तो मुझे ना थोड़ा सा कमजोरी बहुत हो गई है, तो मेरी तबीयत रोज खराब ही रहती है। मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, क्या मांग रहा है तू और खाएगा, ये ले खा के चल दे दिए।
हर्षी ने बताया चलना कब स्टार्ट किया है, दो एक साल तीन महीने के अंदर में इसने तीन महीने में मतलब प्रॉपर चलना स्टार्ट किया है। अब थोड़ा थोड़ा अच्छे से चल ले रही है, शुरू शुरू में तो इतना डर गई थी, ये चल ही नहीं रही थी, बहुत डर गई थी। तो अब मैं बनाती हूँ और फटाफट से आपको दिखाती हूँ। ये बन रहा है मेरा हलवा, थोड़ा सा है, सूजी इतनी थोड़ी सी थी कि मतलब हो जाएगा हम दोनों के लिए, तो वैसे भी ज़्यादा बनाओ तो फिर अच्छा भी नहीं बनता है, टेस्टी भी नहीं होता है। और ये हो रहा है पानी गर्म, बाहर धूप आई हुई है अच्छी। हर्षी को मैंने बैठा दिया वॉकर में, अब नाच रही है, इतनी सतानी करी, सारे टमाटर इसने कपोड़ दिए दांत से यार लड़की। हाँ हाँ नो नो नो, तो गाइस ये बन गया है हलवा, गरम हो रहा है बहुत, पर मैंने हर्षी के लिए थोड़ा पतला पतला निकाला था और उसको प्लेट में खिला दिया था। ये भी मैंने पतला बनाया है ताकि मैं इसको दोबारा से उसको खिला सकूं। तो ये देखो हम लोग भी खाएंगे। हम लोग खा पी के आ गए, हमने हलवा बनाया और खाया और मजे से एंजॉय किया, और मैंने हर्षी के कपड़े चेंज किए, नहलाया धुलाया, फ्रेश मूड पे आ गई हर्षी। देखो अब हर्षी जा रही है सोने के लिए क्योंकि इतनी तेज भागती है ये। हर्षी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ, मैं जा रही हूँ जल्दी आके। देखो कहाँ जाके बैठी है, देखो अगर नहीं आई तो मैं चली जाऊं, मैं जाऊं आप यहाँ जल्दी आ। डर लगता है इसको देख के, साइड में जाके बैठ जाती है, मुझे आधा तो खून सुखा दिया इसने मेरा। फंस गई लड़की, देखो देखो कैसे नाच रही, पूरे दिन भर ये ऐसा तबाही मचाए रहती है। हर्षी आज इस पर पक्का इसके पापा को बोलूंगी कुछ अरेंजमेंट करो और इसको बंद करके रखो, ये अपनी फिंगर उसके अंदर डाल दे रही। तो गाइज ये बहुत सतानी कर रही है, इसको मैं जल्दी से सुलाती हूँ पहले और उसके बाद मिलती हूँ शाम के टाइम। और आज तो हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, मींस कि अभी हमें किसी ने आज हमें डिनर पे इनवाइट किया है हर्षी के डैडी के। गाइज शाम हो गई है मतलब चार साढ़े चार पांच बजे हैं और मेरा देखो क्या चल रहा है, और अभी मुझे जाना है शाम को कहीं, तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी। तो अभी क्या है कि हर्षी का देखो कैसा कारोबार चल रहा है, मैंने वहां पे अंदर जाने के लिए सामान चला देगी ना, फेंक देगी ना, तो मैंने वो उसकी ट्रॉली लगा दी है, उसको देखना था वो मोगली, और गाने मतलब मैंने लगाए थे तो सुन रही है। और मेरा तो कारोबार जो चल रहा है, बहुत दिनों से मैंने अपना फेस क्लीन नहीं किया था तो मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ टमाटर से। तो गाइज मतलब टमाटर से ऐसे खट्टे से फेस साफ हो जाता है, तो मैं भी यही कर रही थी। और मेरी जो झाइयाँ हो गई ना वो कम नहीं हो रही है, और ये सब वीकनेस की वजह से हो रही थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया था जब मैं घर गई थी, तो वो बोल रहे थे कि ज्यादा सोचती हो और टेंशन लेती हो तो इस वजह से तुम्हारी झाइयाँ हो रही है। मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता होगा कभी कभी, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम इतनी सारी है कि बहुत सारी। तो गाइस चलो ये सब तो चलता रहता है, अब मैं ये टमाटर से अपना फेस क्लीन करूंगी। अभी मैंने एक टमाटर तो घिस दिया है, दूसरा फिर से घिसूंगी, और उसके साथ साथ मैं भी हो रही हूँ तैयार। जब मैंने कपड़े पहन लिए उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मुझे ये भी करना है करके, और मैंने फिर ऐसे ही कर लिया, फिर मुझे सूट उतारना पड़ता, तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। और हर्षी अभी खेल रही है ना, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट कर दिया। और अभी मुझे पहले लगानी है नेल पेंट, नेल पेंट तो वैसे मैं लगाती हूँ, थोड़ा सा मेरे को मन कर रहा था कि मैं इसको निकाल के लगाऊं, क्योंकि निकलने लग गई है ना, ये देखो ये निकलने लग गई है ना, तो इसको मैं दोबारा से लग बालम खानेदार चलावे जी पसी, बालम खानेदार चलावे जी पसी। तो गाइस फाइनली देखो फाइनल लुक मेरा ये है, मैंने जो किया हुआ था टमाटर से उससे फेस क्लीन तो एकदम क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। तो आप लोग भी घर में करो टमाटर से अपने फेस पे क्लीन। और यहाँ पर मेरा दाना हो रहा था लाल लाल, मोगली की दीवानी हो। तो चलो अब मैं करती हूँ तैयारी, बर्तन मैंने धो दिए हैं और कपड़े अभी शाम के टाइम जो डाले थे वो सूख गए हैं, उनको लेकर आती हूँ अभी, बाहर भी हवा चली है। और ये जो रायता फैला रखा लड़की ने, ये भी साफ करना है। कहाँ चली गई, इसको बाहर जाना है, तो अभी थोड़ा सा इसको बाहर भी वॉक कराना है, इसको तैयार करती हूँ, थोड़ी देर बाहर भी खेलेगी। साढ़े पाँच होने वाला है, साढ़े पाँच बजे लेके जाऊँगी मैं इसको बाहर। तो अब मैं थोड़ा बाल बाल बनाती हूँ, बाल कैसे हो रहे हैं। तो गाइस मेरी बन रही है चाय यहाँ पे, अभी ऑफिस से आने के बाद हम लोग बना रहे हैं चाय, क्योंकि पूरे दिन भर में हम चाय नहीं पीते हैं, और अभी बना रहे हैं। और ये मेरी काली राजमा की दाल है जो मम्मी ने दी है, एक बार बना के ट्राई करती हूँ कैसी होती है, दिखा देती हूँ उसको सुबह के लिए।
काली राजमा है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसको, आज बनाती हूँ, थोड़ा सा भिगा देती हूँ, सुबह बनाऊंगी और हम लोगों के लिए भी हो जाएगा दिन के लिए। और हर्षी का दूध भी गर्म हो रहा है। चाहा को होटल को बुला इतनी टनक पूर। गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। अब मैं सबको बताया था जैसे ये तो मुझे चलो हाँ तुम बोलो नहीं नहीं मैं दूसरी चप्पल चलती हूँ। तो गाइस अभी मैं चलती हूँ और बाकी का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी, मिलती हूँ थोड़ी। गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं घर पे और यहाँ पे आई हुई हैं, मतलब यहाँ पे जो है ये भाभी हैं, इनसे मिलिए और इन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे। और हम लोग बना रहे हैं अभी मिलके पनीर और भैया बनाएंगे अभी क्या बना रही बनाएंगे आलू चोखा। और इन्होंने मुझे बोला कि तुम पनीर बनाओगी तो मैं पनीर बना रही हूँ। और ये हमारी अभी हेल्पर बनी हुई है अपने घर में, तो ये हमारी हेल्प करी और हम लोग मिलके खाना बना रहे हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है, अभी स्टार्ट किया हुआ है बनाना है। देखो हमने अभी ये रखा हुआ है फ्राई कर रखा है और ये मटर बॉईल हो रही है और यहाँ पे भी काम चल रहा है लोगों का ये सामने। और ये सारा अभी रायता फैला हुआ है, ये तो लास्ट में समेटा रहता। तो हर्षी को अभी हर्षी की डैडी संभाल रहे हैं अंदर। अभी वो किचन में आई थी देखने के लिए ना कि मम्मा क्या कर रही है, वो उसको आदत है मेरे को देखने की और मेरे साथ खड़े होने की, तो वो अभी पापा के साथ भेजा है, तो इसलिए हम फटाफट बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज यहाँ पे देखो मार्केट एकदम लगी हुई है, अभी टाइमिंग मार्केटिंग की है। अभी बज रहे हैं 7:30। तो अभी हर्षी के डैडी भी फ्रूट्स लेने के लिए गए हुए हैं वो सामने, और मैंने अपने अच्छू के लिए भी फ्रूट्स मंगाए हैं। तो ये देखो एकदम चकाचौंध हो रखा है यहाँ पे, तो एकदम ऐसा लग रहा है मस्त, यहाँ से फ्रूट्स दिख रहे हैं और मन कर रहा है सारे फ्रूट्स मैं खा जाऊंगा हर्षी। और मैं सीव फ्रेश जूस वाला है, ये सीव फ्रेश जूस वाला। तो अब हम गर्मी का टाइम आ रहा है तो मैं और हर्षी यहाँ पे जूस पीने आएंगे और हम दोनों जूस पियेंगे, डैडू के साथ आएंगे ना हर्षी। हाँ गुड गर्ल। तो चलो गाइस चलते हैं फ्रूट्स लेते हैं और सीधे चलते हैं इनके फ्रेंड के घर। हर्षी क्या खा के आई? लड्डू लड्डू कहाँ से खा के आई? ये अब खुद खाएगी वो, लेक देगी नहीं आपको। हर्षी खुद से खा रहा है, दिखाओ मम्मा को दिखाओ। ओहो टेबल तो देखो रखने की जगह। तो पापा का देख क्या डैडू डैडू का है डैडू। गाइज यहाँ पे भगवान जी रखे हुए देखो लड्डू गोपाल। मेरा पनीर तो बन गया है ये देखो, अभी मैं इसको घुमाऊंगी नहीं खराब हो जाएगा इसका मेकअप। और ये यहाँ पे प्याज कट रहा है भाभी का, यहाँ पे टेस्टी वो चोखा बनाएगी आलू चोखा। वैसे मम्मी ने एक दिन बनाया था घर में, सेम वैसा ही होगा आई होप सो। तो ये आलू छिलके वहाँ पे रखे हैं और जो बनाने वाले सेफ हैं वो उनका पता ही नहीं है कहाँ है, उनको ढूंढ के आती हूँ जरा। अरे मैं तो पहले इसमें ढक्कन रखती हूँ। तो एक बार हर्षी को ढूंढती हूँ कहाँ है। तो गाइज यहाँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कोने में है, कमरा है। ये रही हर्षी यहाँ शैतानी कर रही है फुल ऑन। ओ माई गॉड म्यूजिक सुन रही है तो। ओ माई गॉड हर्षी यहाँ मूवी देख रही है, नहीं सॉरी टीवी देख रही है और म्यूजिक सुन रही है। अब इसने मुझे देख लिया, देखो अब कैसे परेशान करेगी। गाइस हर्षी सुन रही है गाना किचन में, ये म्यूजिक इसने लगा रखा है इतना भारी हो रहा है ये भाभी देखो इसको किसका पकड़ के लाई है, तुम्हारे बच्चों का होगा ये दादा का है दादा का। गाने सुन रही है गाइस देख रहे थे पता नहीं कब की बिछड़ी हुई है। पापा 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 को खिला, पापा को भी खिला। उंगली डाले खा रही है, बहुत ही शैतान हो गई है, कभी चम्मच डाले कभी डाले, अरे कैसे पट हो गई नाक चिपटी हो जाएगी नाक।
ये देखो